नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है और लखनऊ में आज सीनियर नेताओं के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि नेताजी को कुछ लोग गलत जानकारी और सुझाव दे रहे हैं। अखिलेश ने पार्टी में बाहरी लोगों के दखल और पारिवारिक हस्तक्षेप पर भी एतराज जाहिर किया। साथ ही अखिलेश ने कहा कि कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे पार्टी नेतृत्व के सामने हैं, अब नेतृत्व ही इन पर फैसला करे। अवनीश विद्यार्थी का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश, तल्ख तेवर लगातार जारी है, अखिलेश यादव का ये बयान सामने निकल कर आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? करीब सवा दो घंटों तक सीनियर नेताओं के साथ बैठक चली अखिलेश यादव की, और उस बैठक में सीधे तौर पर उन्होंने सीनियर नेताओं से कहा कि पार्टी नेतृत्व के सामने सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर उनके अपने रिजर्वेशन हैं, चाहे बाकी व्यक्ति के राजनीतिक और पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप का मसला हो या फिर पार्टी को कई सारे निर्णयों को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष पार्टी नेतृत्व के सामने रखा है, उन मसलों पर निर्णय हो, वो अपने कदम पीछे हटाने को नहीं तैयार है। उन्होंने कहा कि जो उनके अपने मसले हैं वो कार्यकर्ताओं के हित में, पार्टी के हित में और प्रदेश के हित में, इसलिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने इन मुद्दों को रखा है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ अपनी रथ यात्रा जो 3 तारीख शुरू करनी है उनको, उसकी भी तारीख बदलने को तैयार नहीं है। अब सीनियर नेता उनसे मुलाकात के बाद कल फिर सुबह 11 बजे मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे और अपनी मुलाकात का ब्यौरा उनके सामने रखेंगे। शुक्रिया अवनीश इस जानकारी के लिए आपका।